एंड वेलकम टेक गुरु के एक ब्रांड न्यू एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक और मेरे साथ है यश। और साथ में आज जिस स्मार्टफोन को हम रिव्यू करने वाले हैं उसका इंतजार तो जाने कितने दिनों से कितने लोग कर रहे हैं, पीढ़ियों। नहीं नहीं इतना ज्यादा मत करो यार, इतनी पीढ़ी का नहीं, सिर्फ 6-7 महीने से उसका इंतजार बहुत ज्यादा लोग कर रहे थे। क्योंकि बता दो कौन सा फोन है, बता दो यार, थोड़ा पहले बताओ और कौन कौन से फोन है। और उसके अलावा तो है अपने पास यूरेका का प्लस वर्जन आ गया, यूरेका प्लस। ये प्लस आजकल बहुत लोग कर रहे हैं। बिल्कुल, तो कितना प्लस है वो देखेंगे आगे। उसके अलावा ओप्पो जॉय 3। और जिस स्मार्टफोन की मैं बात कर रहा था, मतलब वो कहते हैं जिस पल का था मुझे इंतजार वो घड़ी आ गई, तो ये घड़ी आ गई है। और इस ये घड़ी भी आ गई है आज के टेक गुरु के शो में। पर जिस स्मार्टफोन का आज टेक गुरु पर हम रिव्यू करने जा रहे हैं वो और कोई नहीं है, वन एंड ओनली OnePlus 2। आंसर तो आपको पता ही होगा, आइए देख लीजिए उसके टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। जिस फोन का महीनों से इंतजार था फाइनली वो आ ही गया। पेश है OnePlus One का बड़ा भाई OnePlus 2। इस फोन के लिए सबसे बड़ा चैलेंज अपने पिछले वर्जन से ज्यादा बेहतर साबित होना है। एंड ऑन पेपर OnePlus 2 किसी भी एंगल से कमजोर नजर नहीं आता। 5.5 इंच का ये डुअल सिम फोन दिखने में बेहद अच्छा दिखता है। OnePlus 2 में 5.5 इंच की फुल HD स्क्रीन दी गई है जो 401 PPI की पिक्सल डेंसिटी के साथ आती है। इसकी स्क्रीन को थोड़ी और टफनेस देने के लिए उस पर कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 4 की परत भी चढ़ाई गई है। OnePlus 1 को फ्लैगशिप किलर के नाम से नवाजा गया था। OnePlus 2 में भी किसी भी फ्लैगशिप स्मार्टफोन को हराने का पूरा दमखम है। ये फोन एंड्रॉइड 5.1 लॉलीपॉप वर्जन और OnePlus के खुद के डिजाइन किए हुए ऑक्सीजन OS के कॉम्बिनेशन के साथ आता है। अच्छी परफॉर्मेंस के लिए OnePlus 2 में 1.8 GHz का Qualcomm MSM8994 Snapdragon 810 Octa-Core प्रोसेसर दिया गया है 4GB RAM के साथ। 4GB RAM के साथ आने वाला ये दूसरा स्मार्टफोन है जो भारतीय बाजार में लॉन्च हुआ है। अच्छी फोटोग्राफी के लिए OnePlus 2 में 13 MP का ऑटोफोकस कैमरा दिया गया है जो ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन, लेजर ऑटोफोकस जैसे फीचर्स के साथ आता है। सेल्फी के लिए 5 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा भी दिया गया है। OnePlus 2 में इस बार फिंगरप्रिंट स्कैनर को भी जोड़ा गया है। स्टोरेज के लिहाज से इसमें 16GB और 64GB के मॉडल हैं जिनकी मेमोरी को अपग्रेड नहीं किया जा सकता। डेटा कनेक्टिविटी के लिहाज से OnePlus 2 में 3G वाईफाई के साथ 4G भी दिया गया है। इसके अलावा 3300mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी भी दी गई है। OnePlus 2 को Amazon.in से खरीदा जा सकता है पर उसके लिए आपको इनवाइट के लिए रजिस्टर करना होगा। OnePlus 2 के 64GB वर्जन के दाम है 24,999 रुपए। परफॉर्मेंस के मामले में इस फोन ने लिटरली मतलब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया। सच में जो परफॉर्मेंस की अगर आप बात कर रहे हो ना, तो 4GB रैम इसमें कर दिया है OnePlus 1 से आगे बढ़कर 3GB से 4GB। लेकिन प्रोसेसर की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यार प्रोसेसर अभी भी गर्म तो होता है, इस वजह से फ़ोन पूरा आप यूज़ करने में कभी कभी इतराते हो, ऐसा बोल सकते हैं हम। Snapdragon 810 जो इसके अंदर प्रोसेसर दिया गया है वो कई मैन्युफैक्चरर्स उस प्रोसेसर को इस्तेमाल करने से थोड़ा सा हिचकते हैं क्योंकि उसके गर्म होने की काफ़ी शिकायतें आ रही थी। बट OnePlus 2 में यहाँ पर OnePlus ने उस प्रोसेसर को इस फ़ोन के अंदर डाला है ये सोच के कि कुछ चेंजेस उस प्रोसेसर में हुए हैं, लेकिन फ़ोन अभी भी गर्म करता है। बट वो चीज़ें छोड़ दें, अगर गर्म वाली शिकायत अगर छोड़ दें, फोन की परफॉर्मेंस एकदम स्मूथ है, एकदम मक्खन है। इस पर आप गेमिंग ज़बरदस्त कर सकते हैं, आप मल्टीटास्किंग बहुत अच्छे से आसानी से होगी, आप वीडियोज इसके ऊपर काफ़ी लंबे समय तक देखो, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वीडियो से ध्यान आया। इसकी स्क्रीन भी काफ़ी अच्छी इस बार कर दी गई है, हालांकि रिजोल्यूशन में बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है, लेकिन ज़्यादा क्या, ज़रा भी फर्क नहीं है, फुल HD है, 2K के ज़माने में फुल HD है, बट स्टिल स्क्रीन बहुत अच्छी है, परफॉर्मेंस बहुत अच्छी है स्क्रीन की, बहुत अच्छी वीडियोस देखने में काफ़ी मज़ा आता है। जो एक बहुत बड़ा चेंज इस फ़ोन के अंदर कर दिया गया है वो है इसका कैमरा। सही अभिषेक, अगर सच में इस फ़ोन को ख़रीदने का एक और बहाना आपको चाहिए तो ये कैमरा हो सकता है। बहुत ही शानदार, एक तो सबसे अच्छी चीज़ यहाँ पे लेज़र ऑटो फोकस दिया गया है जिससे फोटोग्राफी एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा हो जाता है। ऊपर से कैमरा बहुत ही अच्छा इस बार लगता है, सच में यूज़ करने में बहुत ही मज़े आते हैं और डिटेलिंग काफ़ी अच्छी है, सेल्फी कैमरा भी काफ़ी अच्छा है, जिस तरह से आप इसको देखो यूज़ करने में मज़ा आता है। और जहाँ की यूज़र इंटरफेस की अगर बात करें कैमरा की, तो यूज़र इंटरफेस पिछली बार साइनोजन हमने देखा था, इस बार ऑक्सीजन आ गया है यहाँ पे,
पर इसका कैमरे का यूजर इंटरफेस जो है वो मुझे थोड़ा बहुत वो इंस्टाग्राम जैसा लग रहा है। लेकिन उसमें कुछ बुराई नहीं है क्योंकि इंस्टाग्राम जैसा अगर यूजर इंटरफेस दिया गया है, आजकल हम अपनी ज्यादा से ज्यादा पिक्चर्स अगर हम खींचते हैं वो कहाँ अपलोड करते हैं, इंस्टाग्राम या फेसबुक के ऊपर। तो इंस्टाग्राम जैसा यूजर इंटरफेस तो मैं कहूंगा कि बहुत ज्यादा यूजर फ्रेंडली है आज के जमाने में, क्योंकि वो काफी अच्छा हो गया, हमें रोजमर्रा उसी को इस्तेमाल करते रहते हैं। एक और अच्छी चीज इसमें आगे बढ़ते हैं हम, फिंगरप्रिंट। हाँ, फिंगरप्रिंट स्कैनर इसके अंदर ऐड किया गया है इसमें, जैसे आईफोन 5S के बाद के आईफोन सारे या फिर सैमसंग के गैलेक्सी S5 पर क्या अभिषेक इसको कंपेयर करना चाहिए उन सब चीजों के साथ अगर हम परफॉर्मेंस की बात करें फिंगरप्रिंट से? फिंगरप्रिंट स्कैनर की अगर बात करें तो मैं ये कहूंगा कि मेरा एक्सपीरियंस ये रहा है 70% एक्यूरेसी है, ज्यादा आप कर लो तो ज्यादा से ज्यादा बढ़ा कर भी अगर मैं बोलूँ 75-78% से ज्यादा इसकी एक्यूरेसी नहीं है। ठीक है, बाकी और एंड्रॉयड फोन के मुकाबले इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर ठीक है, बट फिर भी सिर्फ फिंगरप्रिंट स्कैनर आप इसका इस्तेमाल करने लगो मुझे नहीं लगता अभी थोड़ा सा हाफ बेक्ड हाफ अनकुक्ड थोड़ा सा है। जब तो, हम एप्पल के साथ इसको कंपेयर कर रहे हैं तो फिर अलर्ट स्लाइडर की भी हमें बात करनी चाहिए। हाँ, एक और नया फीचर इसके अंदर जोड़ा गया इस बार OnePlus 2 में कि ये जैसे एप्पल के आईफोन में आपको नजर आता था वो साइलेंट करने के लिए एक हार्ड की होती थी, वैसी की हार्ड की इसके अंदर दी गई है। ये नोटिफिकेशन अलर्ट्स के लिए है बेसिकली, आप इसको यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हो, यहीं से कंट्रोल कर सकते हैं, साइलेंट कर सकते हैं, तो मीटिंग्स के दौरान या फिर अगर बहुत काम का फीचर ये साबित हो सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल वही, क्या ये फोन आपको खरीदना चाहिए OnePlus 2? पहले तुम अपनी राय बताओ। देखो यार, OnePlus 1 जब मैंने यूज किया था तो मेरी एक्सपेक्टेशन जैसा हमने बताया कि बहुत ही बढ़ गई थी OnePlus 2 से, लेकिन आंसुओं के साथ मुझे बताना पड़ रहा है कि OnePlus 2 से मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ हूँ जितनी मेरी डिमांड्स थी। हाँ, मैं मानता हूँ कि इसके अंदर USB टाइप सी दिया है, बैक पैनल रिमूवेबल कर दिया इस बार, डुअल सिम भी कर दिया, 4G सब चीज़ें हैं, लेकिन फिर भी जिसको बोलते हैं ना कि इसका हाइप जितना था, जितनी एक्सपेक्टेशन थी बिकॉज ऑफ OnePlus 1, तो उतना ज़्यादा मज़ा OnePlus 2 से मुझे नहीं लग रहा है यार कि मिला हो सच में। वो एक्चुअली यहाँ पर प्रॉब्लम ये है कि OnePlus 1 बहुत बेहतरीन फ़ोन था सच, उसके मुकाबले OnePlus 2 मतलब उससे अगर कंपेयर करो तो एक्सपीरियंस में आप ज़रूर थोड़ा 19-20 आप मान सकते हो, पर 19-20 ही है वो, 18 और 20 है, 17 और 20 वाला चक्कर नहीं है यहाँ पर। तो मैं तो ये कहूँगा कि अगर आपका बजट 40-45 हज़ार रुपये का था, आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे थे, इवन 30-35 थाउजेंड रुपये खर्च करके आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाह रहे थे, तो 25 हज़ार रुपये में 64 GB वाला OnePlus 2 ज़बरदस्त चुम्बेश्वरी डिवाइस है, बिल्कुल खरीदा जा सकता है, आंख बंद करके, धोखा नहीं देगा ये डिवाइस, नहीं ये इसकी तो गारंटी हम लेते हैं OnePlus 2 की। लेकिन अगर OnePlus 1 आपने खरीदा और फिर आप सोच रहे हो कि OnePlus 2 पे माइग्रेट कर लिया जाए क्या, मैं कहूंगा यार OnePlus 1 इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा फर्क नहीं दिया गया है। वो 4 GB रैम का सच में आपको इस्तेमाल करोगे आप उस 4 GB रैम का? 3 GB है आपके फोन में ऑलरेडी, स्क्रीन वही है, हाँ कैमरा जरूर बदला है, बट स्टिल OnePlus 1 से OnePlus 2 पे माइग्रेट नहीं करना चाहिए। पर अगर आपको OnePlus 1 नहीं लेना था, OnePlus 2 ही लेना था, तो इसे नकारने के बहुत ज़्यादा रीजंस नहीं हैं। हाँ बिल्कुल, ओवरऑल चेगुरु पर OnePlus 2 को हम देते हैं पिक, पर थम्स अप नहीं है। ओके, पर थम्स अप नहीं है। ऑन दिस नोट चेगुरु पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, ब्रेक के बाद वापस आइए। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं चेक गुरु अभिषेक और यश के साथ, और ब्रेक से पहले हमने रिव्यू किया OnePlus 2 को, जिसको हमने चेक गुरु पर दिया पिक विथ नो थम्स अप, क्योंकि OnePlus 1 मतलब दिल में अभी भी उसके लिए कुछ कुछ धुक धुक होती है। पर अभी एक और स्मार्टफोन का रिव्यू करते हैं जिसके नाम में जनरेशन 1, जिसके नाम में भी प्लस है और उसका जनरेशन 1 ने भी बहुत लोगों को पसंद आया था, वो है यूरेका प्लस। ये है यू यूरेका का नया अवतार यू यूरेका प्लस। अब नाम में प्लस जोड़ा गया है तो जाहिर सी बात है कि फोन में कुछ बदलाव तो किए ही होंगे। तो चेंज नंबर 1, इसकी स्क्रीन। यूरेका में 720p के रेजोल्यूशन वाली स्क्रीन थी और यूरेका प्लस में अब 1080p के रेजोल्यूशन वाली फुल HD स्क्रीन दी गई है। चेंज नंबर 2, इसका कैमरा। ऊपर से देखने पर तो इसमें वही 13 MP का ऑटो फोकस कैमरा नजर आता है, पर यूरेका प्लस के कैमरा सेंसर में बदलाव किया गया है। इस बार सोनी के कैमरा सेंसर को यूरेका प्लस के कैमरे में लगाया गया है। चेंज नंबर 3, इस बार ये और कलर ऑप्शंस में भी अवेलेबल होगा।
इस बार आपको ये मून डस्ट वेरिएंट के अलावा व्हाइट में भी मिलेगा। यू यूरेका प्लस के बाकी फीचर्स यू यूरेका जैसे ही हैं, वही स्नैपड्रैगन 615 क्वाड कोर प्रोसेसर 2GB रैम के साथ, सेल्फी कैमरा भी वही 5 मेगापिक्सल का, और वजन या साइज में भी कोई फेरबदल नहीं किया गया है। कीमत के मामले में भी ज्यादा फेरबदल नहीं किया गया है। यूरेका प्लस जब लॉन्च हुआ तो अपने पुराने वर्जन से 1000 रुपए महंगा था, और आज आप इसे यू यूरेका के दाम पर ही खरीद सकते हैं, यानी 8990 रुपए में। तो भैया सबसे पहले तो अगर नहीं सबसे पहले बताओ ये प्लस जो है, यस, वो प्लस कारण से, किस कारण से प्लस है, क्या प्लस किया इसके अंदर? प्लस इसके अंदर सिर्फ दो चीज की गई है, इस जिसमें से एक तो दिखने भी नहीं वाली है, ठीक है। सबसे पहले जो दिखने नहीं वाली वो बताओ, ठीक है। तो इसके जो 13 मेगापिक्सल का सेम कैमरा है, लेकिन इसके अंदर जो सेंसर है वो सोनी का इमेज प्रोसेसिंग सेंसर दिया है, जिसकी वजह से इमेज अच्छी होनी चाहिए लेकिन नहीं होती भाई साहब। मतलब ये बात तो माइनस हो गया। दूसरा प्लस, दूसरा इसका जो डिस्प्ले है वो फुल एचडी किया गया है, सच में इम्प्रूवमेंट दिखता है। तो ये तो प्लस, इधर माइनस, एक प्लस, चलो ठीक है। पीएस टाइप की बात, इसमें अब कलर वेरिएंट भी आ गया, इसका व्हाइट कलर भी अबे अरे वाह मतलब आप व्हाइट कलर में भी खरीद सकते हो इसको। बिल्कुल यार, ये प्लस नहीं हुआ, ये स्लैश हुआ, ये वन प्लस स्लैश माइनस, मतलब यहाँ पर टाई हो गया है। तो कुल मिलाकर इस फोन को खरीदा जाए कि नहीं यूरेका प्लस को? देखो यार, प्रोसेसर सेम टू सेम, स्क्रीन में बदलाव, रैम सेम टू सेम, वजन बॉडी सब सेम टू सेम, सब सेम टू सेम, सिर्फ स्क्रीन फुल एचडी कर दी गई है। तो अगर आपने यू यूरेका की बस को मिस कर दिया था तो यूरेका प्लस की ओर आगे बढ़ सकते हैं, तो खरीदा जा सकता है, क्योंकि प्राइस में कोई भी डिफरेंस नहीं दिया गया है। पर इस फोन की एक सबसे बड़ी कमी जो यश बताएंगे, मतलब मैं ये इनके घाव दिखा सकते हैं। हाँ यार, सच में पहले बता दो क्या चीज़ है। फोन इतना गर्म होता है यार, इतना गर्म होता है। मैं इनफैक्ट ये बात बताना चाहूंगा कि स्नैपड्रैगन 615 चिपसेट जितने भी फोन में है, उन सब में सबसे ज्यादा फोन गर्म हो तो कोई यूरेका प्लस का नाम ले लीजिए भैया। सच में इतना ऑमलेट बन सकता है इस पर? बना लो यार, सच में डोसा भी बना सकते हो मैं तो बोलूंगा। लेकिन यार मतलब इतना गर्म होता है फोन, यूज नहीं कर सकते, बात नहीं कर सकते, क्योंकि आगे की साइड भी काला कलर है यार। फिर मतलब कान भी आपका ज्यादा देर तक बात करेंगे तो कान भी काला पड़ सकता है। आप यहाँ पे गेम खेल रहे हो, हाथ रखा है तो आप रीतसर मतलब जिसको बोलते हैं कि हाथ ऐसे हटा दोगे यार, इतना गर्म होता है। मतलब यूरेका प्लस के साथ डिस्क्लेमर कंपनी को और हम लोगों को देना चाहिए कि फोन बहुत ज्यादा गर्म होता है, इसे दस्ताने पहनकर इस्तेमाल करें, और ज्यादा देर तक गेमिंग करने पर आपकी 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 उंगलियों को खतरा हो सकता है। तो यूरेका प्लस को टेक गुरु पर हम देते हैं पिक विद टर्म्स एंड कंडीशन, दस्ताने जरूर खरीदिएगा इसके साथ, गर्म बहुत होता है फोन। बाकी सेम टू सेम है भैया। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु, और अब वक्त हो चुका है कुछ अच्छे अच्छे टेक न्यूज का। और सबसे पहला तो ये कि यार Xiaomi अब बन चुका है मेक इन इंडिया का पार्टनर। एग्जैक्टली, मतलब ये हफ्ता इंडिया के लिए बहुत ज्यादा जरूरी अच्छा रहा है। मतलब आप ये देखो कि मेक इन इंडिया का पहला फोन बनाने वाला कोई स्मार्टफोन कंपनी जिसने पहला फोन बना के लॉन्च कर दिया हो, असेंबल्ड वाली चीज नहीं है, क्योंकि असेंबल्ड इंडिया में काफी फोन हो रहे हैं, बट इंडिया में ही वो फोन बन रहा है, छोटी से छोटी बड़ी से बड़ी। तो भैया Xiaomi इसके लिए तो, और फोन भी कौन सा उन्होंने पिक किया, Redmi 2, जो कि बहुत ही अच्छा फोन है Redmi 2, जिसमें रैम भी उन्होंने 1GB बढ़ा दिया और 2GB रैम कर दिया, और प्राइस भी 1000 रुपए बढ़ाया। लेकिन सच में फोन के ऊपर से मेरी एक्सपेक्टेशन सच में जबरदस्त। मतलब Xiaomi Redmi 2 Prime के बारे में लिटरली टेक गुरु मैं हूँ, चीज़ों को एनालाइज करता हूँ, अच्छा बुरा दोनों पक्ष आप लोगों के सामने बताता हूँ, पर Redmi 2 Prime एक ऐसा फ़ोन है जिसके बारे में कहना चाहूँगा कि एज एन इंडियन मैं चाहता हूँ कि ये फ़ोन ज़बरदस्त हिट हो, इतना ज़्यादा हिट हो कि शायद जिन लोगों के हाथों में आज स्मार्टफोन नहीं है उन लोगों के हाथों तक पहुँचे, और जो लोग इस प्राइस रेंज में कोई स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं उन लोगों के हाथ में भी Redmi 2 Prime पहुंचे। क्योंकि ये नहीं कि Xiaomi बना रही है, हिंदुस्तानी क्यों नहीं कि Xiaomi बना रही है, इसलिए नहीं क्योंकि इसमें 2GB रैम है, बल्कि इसलिए क्योंकि ये हिंदुस्तान में बना है फोन, और हिंदुस्तान में बनेगा वो बात बहुत जरूरी है। बिल्कुल, और हिंदुस्तान की हम बात कर रहे हैं तो और एक बात यहाँ पे कनेक्ट करनी जरूरी है कि गूगल अब हिंदुस्तानी बन गया। हाँ, लिटरली गूगल जो है
को हिंदुस्तानी सीईओ मिल गया है, हमारे सुंदर पिचाई जी अब गूगल के सीईओ होंगे। बट आप ये नहीं समझिए कि गूगल के सीईओ होंगे तो जो गूगल के जो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन जो को फाउंडर्स हैं उनकी नौकरी गई, नहीं नहीं, टॉप मैनेजमेंट एरिक श्मिट, सर्जे ब्रिन और जो लैरी पेज हैं वो टॉप मैनेजमेंट ऑल टॉप पहुंच गया है। गूगल का नाम चेंज हो गया है, वो हो गया अल्फाबेट, और अल्फाबेट एक ऐसी अम्ब्रेला कंपनी होगी जिसके अंडर गूगल, यूट्यूब, आपके गूगल के और भी ढेर सारे जो प्रोजेक्ट्स आते हैं, गूगल लैब्स और भी जितने भी आप गूगल के नाम लीजिए वो सब अल्फाबेट के अंडर में काम करेंगे। तो अभी बहुत बातें हो गई, अभी फिर से काम शुरू करते हैं। अभी हमें देखना है गूगल से अब ओप्पो जॉय 3 पे चलते हैं। ओप्पो जॉय 3 का सबसे पहले देखते हैं टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस। ओप्पो का बजट स्मार्टफोन ओप्पो जॉय 3। ओप्पो के स्मार्टफोन में 4.5 इंच की टच स्क्रीन दी गई है जो 480x854 पिक्सल के रेजोल्यूशन को सपोर्ट करती है। इसकी स्क्रीन को HD किसी भी एंगल से नहीं कहा जा सकता। ओप्पो का ये डुअल सिम फोन एंड्रॉइड 4.4 किटकैट वर्जन पर चलता है जिसे अच्छी तरह से चलाने का जिम्मा 1.3 GHz का क्वाड कोर मीडियाटेक MT6582 क्वाड कोर प्रोसेसर के ऊपर है। कैमरा की बात करें तो इसमें 5 MP का ऑटो फोकस कैमरा दिया गया है LED फ्लैश के साथ। इसके कैमरे में 720p की रेजोल्यूशन पर HD वीडियो रिकॉर्डिंग की जा सकती है। सेल्फी और वीडियो कॉलिंग के लिए इसमें 2 MP फ्रंट फेसिंग कैमरा दिया गया है। स्टोरेज के लिए 4GB इंटरनल मेमोरी दी गई है जिसे माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32GB तक एक्सपैंड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिए ओप्पो जॉय 3 में 2G, 3G, Wi-Fi, ब्लूटूथ 4.0 जैसे फीचर्स दिए गए हैं। बैटरी के लिहाज से इसमें 2000 mAh की लिथियम पॉलीमर बैटरी दी गई है। ओप्पो जॉय 3 की कीमत है 7,990 रुपए। ओप्पो जॉय 3, मैं आपसे पूछता हूँ जी, कीमत क्या है इसकी? करीबन 7,500 रुपए। 7,500 रुपए, ओके। 4G है? नहीं। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? लॉलीपॉप है? किटकैट जी, ओके। रैम कितनी है इसमें? 1GB। ठीक है, चलो रैम 1GB है। ऑपरेटिंग सिस्टम आपने किटकैट बोला जी। अच्छा, इसके अलावा 1.3 GHz ऑक्टा कोर? नहीं, 1.3 GHz क्वाड कोर प्रोसेसर दिया गया है, ओके। और चलिए, इसके अंदर मेमोरी कितनी इंटरनल? इंटरनल बस वही 8GB के करीबन और 32GB का आप एक्सपेंड। 8GB 32GB इंटरनल मेमोरी इसके अंदर दे दी है। बस कैमरा 8 मेगापिक्सल। फ्रंट फेसिंग कैमरा 5 मेगापिक्सल? नहीं, उतना तो नहीं, 2 मेगापिक्सल बस वो बोल सकते हैं। मतलब डिस्प्ले भी डिस्प्ले HD तो होगा? नहीं, फुल HD? नहीं नहीं, 720p भी नहीं? नहीं। कीमत क्या बताई आपने जी? 7,500। मुझे नहीं लगता इस फोन का रिव्यू करने की जरूरत है, आप लोगों को मालूम चल गया होगा। बिल्कुल, ये फोन अगर आज से 2 साल पहले लॉन्च हुआ होता, ओप्पो जॉय 3, यस, 7,500 रुपए में, इस प्राइस पे 7,500 रुपए में आपको 3G मिल रहा होता, आपको मतलब इतनी बड़ी स्क्रीन मिल रही होती, क्वाड कोर प्रोसेसर मिल रहा होता, 1GB रैम मिल रही होती, 8GB की इंटरनल मेमोरी मिल रही होती, कौन से साल में? साल 2013 में। तो इस फोन को टेक गुरु पर मैं ऐसे तो ये फोन 13 हो जाता, पुच्ची करता है, ऐसी चुम्मी देता है, उसको कहता है चुम्मेश्वरी फोन, बॉस ले लो 7,500 रुपए में। पर आज की तारीख में 7,500 रुपए से 2,000 रुपए कम करो, 1-1.5 हज़ार रुपए, मतलब 1 से 2 हज़ार रुपए कम करो, तो आपको 4G मिलेगा। यस, इससे 1,000 रुपए और एक्स्ट्रा लगा दो, कितना? K3 नोट और बाकी जितने, तो आपको फुल 720p तो इससे 1,000 कम में मिल जाएगी आपको स्क्रीन। आपको 1-1.5 हज़ार रुपए और इस पे एक्स्ट्रा डाल दोगे तो फुल HD स्क्रीन आपको मिल जाएगी। आपको ज्यादा अच्छा कैमरा मिल जाएगा, आपको 4G ऑप्शंस मिल जाएंगे, तो कोई ये क्यों ले, वो ना ले। अच्छा ठीक है, चलो अभी टेक गुरु पर लेते हैं। अभी टाटा, अलविदा, गुड बाय। मतलब जॉय 3 ने बिल्कुल दिल तोड़ दिया है, इसलिए अभी एनर्जी भी लो, अभी एनर्जी भी लो हो गई। तो टेक गुरु में अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।